नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। इसके अनुसार एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो ये एक मान लीजिए आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो मान लो बाघ, तो पहले लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबाई है तो पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। बाघ की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है बच्चों। और बाघ की लंबाई बराबर y मीटर। अब प्रश्न के हिसाब से दो कंडीशंस हैं। पहली है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, ये पहली कंडीशन है। इसका मतलब लंबाई कितनी है वाई, यह है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी, चौड़ाई है एक्स तो उससे 4 ज्यादा होगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई है वाई तो ये बराबर होगी एक्स से 4 ज्यादा, एक्स प्लस 4। दूसरी जो कंडीशन है वो है इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, आधा, आधा परिमाप 36 मीटर है, ये दूसरी कंडीशन है। अर्ध परिमाप, देखो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा इसका आधा, तो ये 2 कट जाएगा उससे, तो इसका मतलब अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, यह किसके बराबर है 36 मीटर के। लंबाई कितनी है वाई प्लस ब्रेड्थ चौड़ाई कितनी है एक्स बराबर 36 मीटर। यहां से वाई आ गया 36, एक्स यहां प्लस हो रहा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दो समीकरण, जैसे आप पिछले प्रश्नों में करते आ रहे हैं वैसे ही इस प्रश्न में भी हमारे पास दो समीकरण आ गई। तो इनके दो ही टेबल्स बनेंगे, इनके दो टेबल्स बनेंगे। तो आइए अब हम इनका टेबल बनाकर देखते हैं। सबसे पहले एक टेबल इसका बनेगा और एक टेबल इसका बनेगा। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चंस में ये टेबल बनाना सीखते रहे हैं वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी टेबल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, हमारे पास ये है एक्स वाई और ये है एक्स वाई। एक एक करके हम इन टेबल को बनाएंगे। पहला टेबल देखते हैं, वाई बराबर एक्स प्लस 4। देखो यहाँ ना एक बात ध्यान देने वाली है, ये है 36 माइनस एक्स, इसका मतलब यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू डालेंगे वो बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी। हम यहाँ भी कोशिश करेंगे हम थोड़ी बड़ी वैल्यूज लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि 4 के पहाड़े वाली वैल्यू लेंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों हमने 4 के पहाड़े वाली वैल्यू लेनी है। जैसे x मैंने मान लो माना है 12, तो y कितना होगा x प्लस 4, x की जगह 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। इसी प्रकार से x मैंने मान लिया है मान लो 8, तो y कितना होगा x प्लस 4, x कितना है 8 प्लस 4 12। इसी प्रकार से मान लो मैंने x माना है 16, तो y कितना होगा 16 प्लस 4 कितना होता है 20। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी हम कोशिश करेंगे x की वैल्यूज थोड़ी बड़ी लेंगे और कोशिश करेंगे 4 के पहाड़े वाली लेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे
एक्स मान लो मैंने लिया 20, तो वाई कितना होगा, 36 माइनस एक्स, एक्स की जगह 20, 36 माइनस 20, 36 में से 20 माइनस किया 16, तो वाई आ गया 16। इसी प्रकार से एक्स मान लो मैंने माना है 16, तो वाई कितना होगा, 36 माइनस 16, 36 में से 16 माइनस कर दो 20। और इसी प्रकार से मान लीजिए एक्स मैं मान लेता हूँ 12, ठीक है जी 12, तो y कितना आएगा, 36 में से 12 माइनस कर देंगे, 36 माइनस x, x लिया 12, 36 माइनस 12 होता है 24। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जहां दो रेखाएं आपस में मिलेंगी वो होगा सॉल्यूशन, है ना, हमने पहले भी ऐसे प्रश्न किए हैं। तो आइए हम ग्राफ देखते हैं, ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया है। अब बच्चों जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि इस ग्राफ पर मैं 1, 2, 3, 4 लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, तो ये आगे जाकर 36 तक तो आएगा ही नहीं, हमें तो जो वैल्यूज चाहिए देखो वो 20, 22 इस प्रकार से चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटे खाने को 4 के बराबर मानेंगे। अब आप, मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ सारी वैल्यूज 4 के पहाड़े वाले लेंगे, और यहाँ भी कहा था सारी वैल्यूज 4 के पहाड़े वाले, क्यों लेंगे, अब आप देखेंगे ये सारे वैल्यूज 4 के पहाड़े में आ रही हैं, देखो 12, 16, 8, 12, 16, 20, 20, 16, 16, 20, ये सारी 4 के पहाड़े में आती हैं, है ना। तो थोड़ी सी हमने स्मार्टनेस दिखाकर x की वैल्यूज या y की वैल्यूज उस प्रकार से बनाई कि सारी वैल्यूज 4 के पहाड़े में आए, सो दैट जब हम ग्राफ बनाएं तो 4 के पहाड़े वाला बनाएं। तो एक खाना होगा 4, ये मैं स्केच से बना रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे, आपने लेकिन स्केच का प्रयोग नहीं करना है, आपने इसको पेंसिल से ही बनाना है। तो ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस प्रकार से, और इधर हो जाएगा -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32। इसी प्रकार से ऊपर 4 का पहाड़ा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। इसी प्रकार से नीचे -4, -8, -12, -16, -20। मैं चाहता तो ये पहले ही लिख के रख लेता, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया, -32 और -36। अब हम इस पर ग्राफ बनाएंगे, ये है 0। अब हम इस पर ग्राफ निरूपित करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखें, हमारे पास टेबल में पहली वैल्यू है x 12 y 16, x की तरफ को 12 और y की तरफ को 16, x की तरफ को 12 ये रहा, y की तरफ को 16, मैं एक पेंसिल पकड़ लेता हूँ साथ में, x की तरफ को 12, y की तरफ को 16 ये रहा, ये दोनों कहाँ मिलेंगे देखिए, यहाँ आके मिलेंगे ना। तो ये जो बिंदु है, ठीक है, ये मैं थोड़े से बड़े बिंदु इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन आपने पेंसिल से ही करना है, x 12 y 16, ये बिंदु आ गया, ठीक है बच्चों। अगला जो बिंदु है वो है x 8 y 12, तो x की तरफ को 8, y की तरफ को 12, x 8 y 12, ये कहाँ मिलेंगे देखिए, ये यहाँ आके मिलेंगे, देख रहे हैं आप, ये यहाँ आके मिलेंगे इस बिंदु पर, तो इस बिंदु को हमने मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बिंदु हमें निकालना है पहले वाले टेबल में, वो है x 16 y 20, तो x की तरफ को 16 ये रहा, y की तरफ को 20, x 16 y 20 ये रहा 20, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे देखिए, ये यहाँ आके मिलेंगे, इस बिंदु पर आके मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तीन बिंदु हमने बनाए। अब अगला काम क्या है आपको पता है, हमने
स्केल की मदद से इन तीनों बिंदुओं को ज्वाइन करना है। तो ये स्केल लेंगे, तीन बिंदुओं को ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि ये मेरा मार्कर है ना, तो मेरा उस हिसाब से मुझे ये स्केल रखना पड़ रहा है। ठीक है, ये तीनों बिंदुओं के बीच में से जाती हुई, ये थोड़ी सी साइड इस तरफ है, लेकिन आपने बिल्कुल बिंदुओं के ऊपर से जाती हुई, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूंगा ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। अब देख रहे हैं, लेकिन आपने ये डार्क नहीं करना है, मैंने सिर्फ इसलिए किया आपको दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से एक रेखा आ गई है। यह जो रेखा है यह हमारी जो पहली समीकरण थी y बराबर x प्लस 4 को निरूपित करती है। तो y बराबर x प्लस 4 को निरूपित करने वाली यह रेखा है। ये जो बिंदु तीन थे ये दिखने चाहिए रेखा के नीचे से, मैंने तो डार्क सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाई है। ठीक है बच्चों, अब हम आइए दूसरा टेबल देखते हैं। दूसरे टेबल में पहली वैल्यू है x 20 y 16। अब मैं ना यहाँ रेड, आप स्केच की जगह कलर पेंसिल का प्रयोग करें, जैसे मैंने पहले रेड कलर से बनाया था, अब मैं ब्लू से बना रहा हूँ ताकि एक दूसरे से अलग दिखें दोनों लाइनें। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं x 20 y 16। अब फिर से मैं दो पेन पकड़ लेता हूँ, x की तरफ को हमने जाना है 20, थोड़ा जूम कर लें। अब देखिए x की तरफ को 20, y की तरफ को 16, 20 16 कहाँ मिलेंगे, यहाँ। दोबारा देखो, ये 16 है, ये 20 है, ये यहाँ आके मिलेंगे इस बिंदु पर। ठीक है बच्चों, इस बिंदु पर आके मिलेंगे। अगला जो बिंदु हमें देखना है वो है x 16 y 20। फिर से देखते हैं, x की तरफ को 16, y की तरफ को 20, 16 20, कहाँ मिलेंगे, यहाँ। अरे इसी बिंदु पे मिलेंगे, ये हम बिंदु पहले भी मार्क कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा बिंदु x 12 y 24, x की तरफ को 12, y की तरफ को 24, ये कहाँ मिलेंगे आके, यहाँ। ये देखिए x 12 y 24 ये यहाँ इस बिंदु पर आकर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, स्केल की मदद से इन तीनों बिंदुओं को ज्वाइन कर दो। तो ये स्केल लिया, ये तीन बिंदु हैं, हमने इन तीनों बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली एक रेखा बना देनी है। ठीक है, इसके दोनों तरफ एरो बन जाएगा। अब हमारे पास दो रेखाएं आ गई हैं, ये ग्राफ हमने बना दिया है। यह जो रेखा हमने बनाई अभी, यह आपकी समीकरण y बराबर 36 माइनस एक्स को निरूपित करती है। तो यहाँ हम लिख देंगे y बराबर 36 माइनस एक्स। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना था, हमने तो इसका हल देखना था, और हमने पहले भी किया है। हल कहाँ होता है, जहाँ पर दो ग्राफ की लाइनें मिलती हैं। ठीक है, अब ये लाइनें कहाँ मिल रही है, देखिए ये और ये दोनों ग्राफ कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। इस बिंदु को यदि आप देखें तो एक्स अक्ष पर ये जा रहा है 16 तक, देखो जा रहा है ना, एक्स अक्ष पे ये जा रहा है 16, इसका मतलब एक्स बराबर होगा 16 के। y पर ये जा रहा है 20, y पर ये जा रहा है 20। तो ये जो है यह हमारा हल है, यह इन दोनों जो हमारी समीकरणें थी इसका हल है। तो यही अब हम यहाँ लिखेंगे, x बराबर, देखो x बराबर 16, y बराबर 20, 16 y बराबर 20 समीकरणों का हल है के युग्म का हल है। अब आप क्वेश्चन पे आओ, x किसके बराबर था, बाघ की चौड़ाई के बराबर, तो आप लिख दो यहां बाघ
की चौड़ाई बराबर एक्स, और एक्स किसके बराबर अभी हमने निकाला 16 के, 16 मीटर, इसका मतलब बाघ की चौड़ाई आ गई 16 मीटर, और बाघ की लंबाई, लंबाई किसके बराबर है y के बराबर, ये देखो बाघ की लंबाई बराबर y मीटर, तो y किसके बराबर है अभी हमने निकाला 20 मीटर। तो हमें एक बाघ दिया था हमने अपने प्रश्न में, उस बाघ की चौड़ाई और उस बाघ की लंबाई पता करनी थी, वो हमने कर दी है। तो इसमें आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक करेंगे, इसके बाद आपने जो ग्राफ बनाया है वो चिपकाएंगे पहले, ठीक है, वो यहाँ पर अपनी कॉपी में अपने रजिस्टर में इस टेबल के नीचे, इन दोनों टेबल्स के नीचे ग्राफ चिपकाएंगे, ग्राफ के नीचे कॉपी में ही ये काम दोबारा लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से काम होगा। बच्चों देखो कितनी मेहनत हमें लगती है, इतना सारा आपको समझाने में, ग्राफ बनाने में, ग्राफ पर सब रिप्रेजेंट करने में, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो इस वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करते हैं तो उससे हमें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है और अधिक मेहनत से इन वीडियोज़ को बनाने का। धन्यवाद।